हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी पढ़ाई की और फिर से आ गया एक बार फिर थर्मोडायनमिक्स के साथ आपके साथ हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आइसोथर्मल थर्मल प्रोसेस एंड आइसो थर्मल कर्व्स इसके बारे में सीखेंगे साथ साथ में पहले देखेंगे कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस ये तीन पॉइंट्स स्टूडेंट्स मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स पे एक अलग अलग वीडियो बना दिए लेकिन क्या होते हैं स्टूडेंट्स उनका कंटेंट बिल्कुल बहुत छोटा हो जाता है इस बार मैंने तीन दो या तीन अच्छे पॉइंट्स को एक साथ मिलाया ताकि आप पढ़ सकें और लगातार आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रह सके और चीज़ें इसलिए पीछे न जाके पढ़कर इसी में सब आपको कंटेंट मिल जाए सो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं ये तीनों पॉइंट्स रही बात इनके नोट्स की तो वो मैंने आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दी है यदि आपने उनको डाउनलोड नहीं किया है तो जाकर लिंक में जाकर देख सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है स्टूडेंट्स अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि ऐसे हार्ड चैप्टर के बढ़िया टॉपिक्स आपके लिए मैं लेते लेकर आता रहूँगा और आपको पढ़ने में मजा आने वाला है स्टूडेंट्स तो हम देखते हैं हमारा आज का लेक्चर शेड्यूल का आज का हमारा लेक्चर है फोर्थ लेक्चर स्टूडेंट्स जिसमें हम आइसो थर्मल प्रोसेस क्या होती है वो जानेंगे आइसो थर्मल प्रोसेस के कर्व क्या होते हैं वो जानेंगे साथ में आइसो थर्मल प्रोसेस में वर्क किस प्रकार से होता है वो जानेंगे इसमें कुछ जो पॉइंट्स जरूरी है जैसे सिस्टम है सराउंडिंग है टाइप्स ऑफ सिस्टम्स है तो वो थोड़ा आपने नहीं देखा है तो ज़रूर उसे जाकर प्रीवियस लेक्चर्स में देख लीजिए प्रीवियस लेक्चर यदि नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है जाकर डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताता दूँ कि आइसोथर्मल थर्मल यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है आइसोथर्मल में तो थर्मल है ना टेम्परेचर उसका एक जो हम देखें एक दूसरा वर्ड जो होता है उसके लिए वो होगा टेम्परेचर तो किसी सिस्टम में हम किसी सिस्टम को लेकर यदि उसमें कोई चेंज करते हैं सिस्टम को चेंज करेंगे तो सिस्टम में चेंज आएगा और सिस्टम में चेंज आएगा और इस चेंज के दौरान हम वर्क कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं उसमें उसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहे हैं। तो हम इसको हम प्रोसेस कहते हैं सो स्टूडेंट्स क्या समझ में आपको मैंने हिंदी में बोला अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए कि किसी सिस्टम में हम चेंज करते हैं उसके चेंज के दौरान यदि उसका टेम्परेचर बदलता नहीं है तो उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं सो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए ये बात इंग्लिश में लिख के रखी है डेफिनेशन वो का वही जो मैंने आपको बताया बोल के अभी वेन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑफ सिस्टम कॉन्स्टेंट मैंने फिर वही कहा था कि सिस्टम का टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए इन वोल प्रोसेस ड्यू टू चेंज द सिस्टम टेक प्लेस जिसमें हम सिस्टम में चेंज कर रहे हैं उस सिस्टम की प्रोसेस में हमें कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं मिलना चाहिए सिस्टम के लिए दिस टाइप्स ऑफ प्रोसेस इज कार्ड आइसोथर्मल प्रोसेस इसको हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक कुछ एग्जाम्पल्स इसको समझ सकते हैं देखिए यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इन टू लिक्विड कोई भी सॉलिड जो होगा उसको मेल्ट करेंगे तो लिक्विड में चेंज होगा कहाँ पर एट द टाइम ऑन इट्स मेल्टिंग पॉइंट उसके मेल्टिंग पॉइंट पर ही किसी सॉलिड का हमें लिक्विड में कन्वर्शन करना है तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये उसके मेल्टिंग पॉइंट पर हो रहा है तो उसे हम इस प्रोसेस में शामिल कर सकते हैं उसे हम कह सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है सेकेंडरी हम देखें बॉइलिंग ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट हो जाना बॉइल हो जाना उसके बॉइलिंग पॉइंट पे यह भी आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स तो ये दो पॉइंट्स हम यदि याद रख लें तो ये हमारे एक छोटा सा एग्जांपल है देखिए मेल्टिंग ऑफ सॉलिड एट मेल्टिंग पॉइंट और वेपराइजिंग ऑफ एनी लिक्विड और चेंज इन टू स्टेट एट इज बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों जो है आइसोथर्मल प्रोसेस में आ जाते हैं स्टूडेंट्स सो so, आई थिंक इसको ये छोटा डेफिनेशन था आपको समझ में आ तो आया ही होगा अब स्टूडेंट्स में देखते हैं कि एक एग्जाम्पल लें यहाँ पे और इसको समझाने का थोड़ा डिटेल में प्रोसेस करें क्योंकि कितने मार्क्स का आ रहा है हम उसको देखेंगे उस मार्क्स के हिसाब से उसको लिखेंगे हम लोग अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हैं डायग्राम में कि यहाँ मैंने एक सिलेंडर लिया है उसमें एक पिस्टन भी लगा हुआ है और सिलेंडर की वॉल जो है वो सुप कंडक्टिंग वॉल स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात मेंशन कर दूँ मैं आपको कि जो हमने सिलेंडर लिया है उसकी वॉल और बॉटम कंडक्टिंग है उसके अंदर हमने एक पिस्टन लगाया है वो टाइट है लेकिन मूवेबल है और उसकी वॉल भी जो नीचे का बॉटम है जो उसका कॉन्टेक्ट सिस्टम है वो भी क्या है कंडक्टिंग है मतलब उससे भी हीट एनर्जी कंडक्ट हो जाती है अब यहाँ देखें कि अंदर वर्किंग गैस को रखी हुई देखो आप देख रहे हैं पिंक कलर में शो किया हुआ है वो एक वर्किंग गैस अंदर रखी हुई है अब हम इसकी प्रोसेस चालू करें मैंने बता तो दिया कि क्या लिया है हमने सिलेंडर लिया है उसकी वॉज जो है कंडक्टिंग है उसमें लगा पिस्टन वो भी कंडक्टिंग है और अंदर वर्किंग गैस रखी हुई है पिस्टन में पिस्टन के नीचे सिलेंडर के अंदर अब स्टूडेंट्स अब हम क्या करने वाले हैं अब हम प्रोसेस चालू करने वाले हैं और वही प्रोसेस हम जो जानेंगे कि वही प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है अब स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं इस पिस्टन को धीरे धीरे नीचे दबा रहे हैं ऑब्वियसली वी आर क्रिएटिंग प्रेशर ऑन द गैस तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं इस प्रेशर इस प्रेशर के द्वारा पिस्टन को नीचे दबा रहे हैं अब नीचे दबाएंगे तो क्या होगा जो गैस के मॉलिक्यूल्स है जो नॉर्मल कंडीशन में थे अब वो पास पास आने लगेंगे अब वो पास पास आने लगेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा घट जाएगा ऑब्वियसली और जितने पास में वो पास पास में आ जाएंगे और घट जाएगा अब वो आपस में कोलिजन करेंगे और कोलिजन करेंगे तो कोलिजन करने के कारण क्या होगा एनर्जी रिलीज होगी स्टूडेंट्स और वो एनर्जी जो रिलीज होगी इससे क्या होगा सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा लेकिन हमने तो कहा है कि सिस्टम का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए तो जितना वो वो बढ़ेगा वो अपनी कंडक्टिंग वॉल्स क्या कर कर देगा बाहर कर देगा और अपने इनिशियल टेम्परेचर पर बना रहेगा तो देखिए यहां तो एसोथर्मल रहेगा क्योंकि जितना टेम्परेचर था वो का वही मोलिक्यूल के पास पास आके कॉलिजन करने से या आसपास आ जाने के कारण जो एनर्जी बढ़ रही थी वो उन्होंने सराउंडिंग को ट्रांसफर कर दी और अपना टेम्परेचर שם ברכה. सो so, आपने देखा कि किस कि किस प्रकार से हम प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं पिस्टन के ऊपर और उसके गैस के वॉल्यूम को कम करें तो हीट एनर्जी बाहर निकल जाती है अब ठीक इसके अपोजिट सोचें इसके अपोजिट सोचेंगे तो देखेंगे कि हम पिस्टन को यदि हम ऊपर क्यों खींच रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर क्यों खींच रहे हैं गैस के ऊपर हम प्रेशर क्या कर रहे हैं डिक्रीज़ कर रहे हैं प्रेशर डिक्रीज़ कर रहे हैं तो उसको ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा अब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो मॉलिक्यूल पहले से क्या होंगे दूर दूर हो जाएंगे दूर दूर होने से उनकी एनर्जी क्या होगी डिक्रीज़ हो जाएगी अब इस एनर्जी को डिक्रीज़ करने के लिए क्या करेंगे सिस्टम में जब एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो जाएगा अब वो टेमप्रचर तो मेंटेन होना चाहिए क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि हमारे जो थर्म, उसकी जो एनर्जी है वो कम हो गई है अब वो कम हो गई तो क्या करेगा वो सराउंडिंग से अपनी एनर्जी को गेन कर लेगा तो देखिए आप यहाँ पे एरो अंदर शो किया हुआ है जिससे वो सराउंडिंग से एनर्जी को ले रहा है इस प्रकार से वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एज इट इज रखने के लिए या तो एनर्जी को सराउंडिंग के साथ जो है रिलीज करता है या फिर सराउंडिंग से उसे गेन करता है of, cylinder, ये मैंने आपको पहले बता दिया इस चीज को इफ गैस इज कॉम्प्रेस देन हिट इज डेवलप्ड इन दिस एक्स्ट्रा हिट कम्स आउट टू द सराउंडिंग इसमें क्या हुआ कि उसकी जो बड़ी हुई हिट है वो कहां चली गई है सराउंडिंग चली गई देखिए एरो से प्रेजेंट की हुई हाँ पे. एज ए रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट इसके कारण क्या हुआ कि जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो क्या रहा कॉन्स्टेंट रहा दूसरी बात फिर हम देखें इफ गैस इज एक्सपांडेड हीट इज एब्सॉर्ब इन नीडेड हीट टेकन फ्रॉम सराउंडिंग इससे क्या हुआ जब उसने हमने उसको पेस्ट, पिस्टन को ऊपर की ओर उठाया एक्सपांड किया या, उसके वॉल्यूम को प्रेशर को डिक्रीज किया तो जो है हीट कम पड़ी हीट कम पड़ने के कारण उसने सराउंडिंग से हीट को एक्सेप्ट कर लिया ड्यू टू विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इस कारण में क्या हुआ टेम्परेचर जो हुआ कॉन्स्टेंट रह गया सो so, इन ये क्या हुआ हमने यहाँ देखा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट चूँकि हमने शुरू में पहली बात को पढ़ चुका है कि जहाँ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है और वॉल्यूम प्रेशर में रिलेशन होता है तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि बॉयल्स ला कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में स्ट्राइक करता है कि बॉयल्स ला में ये कंडीशन लगती हैं कि जो है जो चर होता है वो कॉन्स्टेंट होता है और चेंज किस में देखा जाता है प्रेशर और वॉल्यूम में देखा जाता है सो स्टूडेंट्स इन आइसोथर्मल प्रोसेस

एक्सिस पे वॉल्यूम को ले लिया है और वाई एक्सिस पे प्रेशर को ले लिया और इन दोनों के बीच में हमने चेंज के दौरान की पी को हम बढ़ा रहे हैं तो वी में क्या चेंज हो रहा है पी को डिक्रीज कर रहे हैं घटा रहे हैं तो उसमें वी में क्या चेंज होगा इससे जो हमें कर्व मिल रहे हैं वो कर्व क्या है आइसोथर्मल कर्व्स है

दिख रहा है कि ये तीनों जो कर्व्स है वो बहुत ही छोटे बने हैं दे आर वेरी स्मॉल दे आर पैरल टू इच अदर देखिए वो एक दूसरे से पैरल भी दिख रहे होंगे आपको सो दे आर टू अदर और साथ साथ में ये है कि इफ टेम्परेचर जैसे करचर थोड़ा सा बढ़ता है वो थोड़ा मुंह उनका जो है ना कर का मुंह होना भी स्टार्ट हो जाता है सो स्टेंट्स एक छोटी सी बात थी समझने के लिए बहुत जरूरी है अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है स्टेंट्स वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस तो ये जो हम देखने वाले हैं स्टेंट्स ये एक डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखेंगे बहुत अच्छा डेरी है, समझ में आ जाएगा और वन स्टेप रिविजन करने से इस पर आपको थोरोनेस मिल जाएगी स्टूडेंट्स ऐसा बहुत ही अच्छा है और ये देखिए जैसे वर्क डन इन आइसो थर्मल प्रोसेस वैसे वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस के साथ साथ हम दूसरा भी देखेंगे वेन जब हम उसकी कंडीशन पे आएंगे लेकिन इन दोनों वर्क में स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो इसमें कुछ ऐसे लिमिटेड क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनमें से ये एक है स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं बिना देरी के स्टूडेंट्स यहाँ फिर वही देख रहे हैं आप एक पिस्टन है और एक सिलेंडर है तो सिलेंडर के अंदर गैस है जो वर्किंग गैस के रूप में है यहां पर हमने देखा कि उसकी वॉल भी जो कंडक्टिंग है क्योंकि ऑब्वियसली पिस्टन भी क्या है कंडक्टिंग ही है तो इसकी सारी वॉल्स कंडक्टिंग है अब यहां पर लेट वन मोल गैस इसके अंदर हम क्वांटिटी को बता रहे हैं तो हमने जो है क्वांटिटी को पहले नहीं बताया लेकिन हम यहाँ इसमें जब हमें वर्क फाइंड करना है तो हमें आपको

तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा इंक्रीज होगा तो प्रेशर को डिक्रीज करेंगे पी वन से टू तो वॉल्यूम क्या होगा इंक्रीज होगा वन से टू सो so, ये सब प्रोसेस कहाँ करना है हमें एक पे. इस बात को बराबर याद रखते रहें आप इफ प्रेशर ऑफ गैस इज रिड्यूस टू टू मैंने आपसे कहा था डिक्रीज कर रहे हैं पे एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम इंक्रीज टू V2 तो देखिए यहाँ पी टू वी टू हो गया इनिशियल कंडीशन में था लेकिन जैसे P1 से हमने P2 टू डिक्रीज किया तो वॉल्यूम V1 वन से वीटू इंक्रीज हो गया देर फॉर वर्क डन बाय गैस एक्सपांडिंग इन एक्सपांडिंग ऑफ इनिशियल स्टेट तो इसमें वर्क कैसे हुआ अब ये देखते हैं स्टूडेंट्स हम कि वर्क किस तरीके से यहाँ पर हमें होना मिलना है अब देखिए यहां मैं आपको करके बता रहा हूँ वर्क अब यहां वर्क चाहिए हमें तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स की वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा हमें वर्क के लिए हम जानते हैं हमने वर्क के लिए कंडीशन निकाल ली है कि वर्क w इक्वल टू वी वन टू वी टू पी डी वी ये स्टूडेंट्स वर्क हमारा फार्मूला जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपने नहीं देखा तो जरूर उसमें ये मैंने निकाल के बताया हुआ है क्वेश्चन बनाकर दिखाया है कि किस तरह से हुआ है। अब पी, अब हम बात कर रहे हैं कि वन मोल गैस वन मोल गैस यानी हमने गैस क्वांटिटी की बात की तो हम आइडियल गैस को यहाँ ले रहे हैं सो मैं यहाँ पे आइडियल गैस के लिए लेता हूं स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा कि मैं किस तरीके से आइडियल गैस फॉर वन मोल गैस पी वी इक्वल टू आर टी क्योंकि पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है लेकिन एन क्या है क्वान्टिटी वो हमने कितनी वन मोल लिए तो एन की वैल्यू वन हो जाने कारण पी वी इक्वल टू कितना होगा आर टी हो गया अब यदि यह हम यहाँ से पी की वैल्यू स्टूडेंट्स निकाले तो पी इक्वल टू आर टी और ये वी कहाँ होगा अपॉन में होगा ये पी की वैल्यू हमें मिल जाती है ये पुटिंग वैल्यू पी हम यहाँ पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ आप देखिए वी वन से वी टू इसकी जो लिमिट है वो तो है ही पी की वैल्यू हम पुट कर देंगे आर टी अपॉन वी डी वी अब स्टूडेंट्स इंटीग्रल का बेसिक तो आपको सबको कन्फर्म ही है कि इंटीग्रल का फैक्टर यहाँ पे डी वी है इंटीग्रेशन हम वी के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं तो डी वी के लिए हमें क्यों वी को अंदर रखना होगा बाकी प्योर वी जो होगा प्योर जो होगा वो कॉन्सटेंट हमें बाहर निकालना पड़ेगा सो स्टूडेंट्स हम पहले उस कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देते हैं ये पी टी को हमने बाहर निकाल दिया वॉल्यूम वी वन टू वी टू पर है और अंदर बच जाएगा वन अपॉन वी डी वी आई थिंक स्टूडेंट्स से तीन स्टेप तो आपको क्लियर हो गई होंगे स्टूडेंट्स आगे देखते हैं w equal to v1 टू v2 और p और t हमने कांस्टेंट ले रखा था 1 अपॉन v dv में स्टेप को रिपीट कर रहा हूँ अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए कि 1 अपॉन x इंटीग्रल यदि हम x के रिस्पेक्ट में देखें तो वो होता है log x तो ये log x की बजाय यहाँ पे क्या है यहाँ x के टर्म है तो यहाँ पर लॉग एक्स हो गया है यहाँ वन अपन वी है और डी वी है तो यहाँ लॉग वी हो जाएगा स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्क डब्ल्यू इक्वल टू पी टी और ये वन अपॉन वी डी वी क्या हो जाएगा लॉग वी हो जाएगा और इसकी लिमिट जो है वो हमने जो ली थी वी वन टू V2 वही वैसी क्यूसी आ जाएगी अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमें लिमिट लगाने के लिए क्या करना होता है लिमिट के लिए हम क्या करेंगे यहां जो आपको दिख रहा है ये V, इस पर पहले हम V2 लिमिट लगाएंगे माइनस करके V1। ये हमने इंटीग्रल में सीखा हुआ स्टूडेंट्स, तो ये देखते हैं डब्ल्यू इक्वल टू पी टी लॉग वी टू माइनस लॉग वी वन लॉग वी टू माइनस लॉग वी वन ये तो आपको समझ में आ गया होगा अब एक चीज छोटी सी जो मैं प्रीवियस क्लासेस की बताया हूँ कि हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि लॉग एम माइनस लॉग एन ये छोटा फार्मूला है आपको याद ही होगा लेकिन मैं एक बार लिख के दे रहा हूं आपको लॉग एम अपॉन एन देखिये ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है तो यदि एम की प्लेस पर हम देख रहे हैं वी टू को और एन की प्लेस पर देख रहे हैं वी वन को तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू पी टी लॉग वी टू अपॉन वी वन ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये वर्क आ गया है लेकिन ये किस बेस पे स्टूडेंट्स ई बेस पे लेकिन लॉक की काउंटिंग जो होती है कैलकुलेटिंग करते हैं हम किसी लॉक की वैल्यू को तो ऑन द बेस ऑफ टेन टेन बेस पे हम कैलकुलेट करते थे हम इसको टेन बेस पे भी कन्वर्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स सो वो वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉक बेस टेन वी टू अपॉन वी वन सो स्टूडेंट्स आपने यहाँ देखा कि बेस को 10 बना दिया तो हमने क्या लिया उसके लिए कोफिशियंट लिया टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री कॉन्स्टेंट वैल्यू हमेशा वही की वही बनी रहती है स्टूडेंट्स अब यहाँ आप देख रहे हैं कि वी टू जो है न्यूमेरेटर में और वी वन डिनोमिनेटर में यदि हमें कंडीशन देखें तो वास्तव में देखा जाए तो दो कंडीशन हमें मिलती लेकिन तो है लेकिन वर्क का फार्मूला तो स्टूडेंट्स यही हमारा था जो हम लेके आ चुके हैं स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम कंडीशन देखें कि इफ वी टू इज ग्रेटर देन वी वन यदि बड़ा है किससे V1 से V2 बड़ा है तो न्यूमिरेटर बड़ा हो गया तो पॉजिटिव वैल्यू आने वाली कि तो निश्चित रूप से हमारा जो वर्क होगा वो वर्क कैसा होगा पॉजिटिव होगा क्योंकि V2 की वैल्यू बड़ी है और ठीक अपोजिट हम देखें कि V1 की वैल्यू जो है V2 से बड़ी हो वी वन इज ग्रेटर देन वीटू सो इसमें निश्चित रूप से हमारे वर्क क्या मिलेगा निगेटिव मिलेगा सो so, स्टूडेंट्स ये वर्क का फार्मूला भी डिराइव कर लिया हमने साथ में ये भी देख लिया कि वर्क कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स यदि आपको समझ में आ गया है तो उसको एक बार जरूर रिवाइज करें रिवाइज करने से परफेक्शन बढ़ जाएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल द ब्लेस एंड गुड बाय